मुंबई के एमएचबी पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो ब्रांडेड सिगरेट की चोरी करता था। पुलिस ने कथित आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। उसके पास से अलग अलग ब्रांडेड कंपनियों के सिगरेट बरामद किए हैं जिनकी कीमत 1.5 लाख के आसपास बताई जा रही है। गिरफ्तार शातिर चोर का नाम महेंद्र कुमार रागवाल बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है। एमएचबी पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुधीर कुडालकर की यदि माने तो आरोपी को ब्रांडेड सिगरेट पीने की लत थी और उसके पास पैसे नहीं होते थे, जिसकी वजह से उसने चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्लानिंग के तहत पहले पान बीड़ी की दुकान को टारगेट करता, फिर दिन में उसकी रेकी करता और फिर रात में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाता था। दरअसल बोरीवली पश्चिम इलाके में पान बीड़ी की दुकान चलाने वाले और होलसेल व्यापारी राकेश शेट्टी नाम के व्यक्ति ने एमएचबी पुलिस से 8 दिसंबर को शिकायत की थी कि उनकी दुकान से लाखों रुपए की ब्रांडेड सिगरेट चोरी हुई है। वहीं पीड़ित व्यापारी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर एमएचबी पुलिस ने कथित चोर की तलाश शुरू कर दी। अपने मुखबिर से मिली सूचना और तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने कथित चोर महेंद्र कुमार को राजस्थान के पाली जिले से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार चोर ने मुंबई और राजस्थान में कई चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कथित आरोपी के खिलाफ मीरा रोड के काशीमीरा पुलिस स्टेशन और गुजरात के वलसाड पुलिस स्टेशन के साथ साथ मुंबई के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में चोरी के मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। एमएनजी पुलिस स्टेशन में राकेश शेट्टी करके जो फिरियादी है, उन्होंने 8 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज किया है कि उनका सिगरेट और पान का जो होलसेल का दुकान है, वो दुकान में दुकान ब्रेक करके वहाँ से 1.5 लाख की चोरी की है। आरोपी का नाम है महेंद्र कुमार मेघवाल और रहता है राजस्थान। जब भी हमने सीसी फुटेज देखी तो सीसी फुटेज से हमें उसका चेहरा क्लियर दिखा और चेहरे से और जो हमें पता कि वो आरोपी राजस्थान का है, तो एमएचबी पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ऑफिसर एपीआई पवार और स्टाफ, उन्होंने राजस्थान जाके वो आरोपी को अरेस्ट किया है। आरोपी को एक नशा था, एक ब्रांडेड सिगरेट और जो है वो नशे की वजह से उसने चोरी की है और चोरी के लिए उसमें से बहुत सारे जो सिगरेट और जो भी है मटेरियल उसने बॉम्बे में बेचे हैं। उसकी तहकीक करके वो पूरा माल हम लोग रिकवर